बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर अनदर टॉपिक ऑफ सिलेबस, दैट इज शिज़ोफ्रेनिया एंड साइकोसिस। साइकोसिस इज अनदर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और साइकोसिस इज द इनिशियल सिम्टम एंड इट मे, इफ साइकोसिस इज नॉट करेक्टेड दैन इट मे लीड टू शिज़ोफ्रेनिया। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। तो अगर हम इसके वैसे ही इंट्रोडक्शन पर जाएं, तो शिज़ोफ्रेनिया क्या है, तो अगर हम इसको डिस्कस करें, तो इंट्रोडक्शन में हम बात करें कि ये है, इट इज़ ए मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 1-2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अच्छा, जो ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, दैट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन लेट 1800 एंड एग्जिस्ट एज ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स यानी डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स के साथ ये होता है, कि जिसमें इंक्लूड होती हैं हेलोसिनेशंस, डेल्यूजन्स, डिक्रीज डिफेक्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये जो है सिम्टम्स सारी की सारी या इसमें से कुछ जो है होंगी वो पेशेंट में होंगी, तो उसको हम शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस कहेंगे। इसमें आपके पास हैं हेलोसिनेशंस, आई रिपीट, हेलोसिनेशंस, डेल्यूजन्स, डिक्रीज डिफेक्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। अब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल फीचर पर बात करेंगे। जब हम डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो इसका डायग्नोस्टिक का जो मेथड है वो बेस कर रहा है ऑन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री दिस मैनुअल इज कंसिडर्ड एज ए बाइबल, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैनुअल है, जो एक तरह के गाइडलाइन का भी दर्जा रखती है कि ये डायग्नोसिस में हेल्प आउट करती है कोई भी किसी भी किस्म के मेंटल डिसऑर्डर के लिए। इसका फोर्थ एडिशन इस वक्त अवेलेबल है और शॉर्ट फॉर्म में ये कहलाता है DSM-4-TR। तो इसने जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, उसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। और इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जिसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब इसमें क्या होगा डायग्नोसिस के लिए एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। पेशेंट मस्ट हैव एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग, दो जो होंगी सिम्टम्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, इसमें से एटलीस्ट दो होंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दो से ज़्यादा यानी इनमें से सारी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो तो ज़रूर होंगी इन ऑर्डर टू डायग्नोस कि हाँ पेशेंट को साइकोटिक या साइकोटिक सिम्टम्स हैं या साइकोसिस है या वो शिज़ोफ्रेनिया की तरफ लीड कर रहा है। एक्चुअली साइकोसिस जो है वो इनिशियल कंडीशन है, जैसा मैंने शुरू में बताया, और अगर उसको जो है वो ट्रीट नहीं किया गया तो वो आगे चल के शिज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम उर्फ आम में पागलपन भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्राइटेरिया और क्या है, सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट 1 month, एक महीना हो गया हो, एंड विद एटलीस्ट 6 months ऑफ कंटिन्यूस प्रोड्रोमल और रेजिडुअल सिम्टम्स। ठीक है, यानी प्रोड्रोमल इनिशियल सिम्टम्स डेवलप हो रही हों और रेजिडुअल सिम्टम यानी सिम्टम्स बरकरार भी रहती हों पिछले 6 महीने से, और इस तरह की सिम्टम जो है अब मुसलसल हो पिछले 1 महीने से, तो फिर हम उसको कहेंगे कि हाँ ये शिज़ोफ्रेनिया की तरफ मूव पेशेंट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एटलीस्ट 1 एरिया ऑफ पेशेंट्स सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग शुड बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, यानी उसकी सोशल लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है या ऑक्यूपेशनल लाइफ, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं वो जॉब करता है तो वहाँ पे उसके ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो रहे हैं अपने कोलीग्स के साथ, और जो है वो वहाँ पे उसकी जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो रही है, और जिसकी वजह से जो है उसका ऑक्यूपेशन यानी उसकी जॉब भी ख़तरे में पड़ी हुई है। अच्छा, इसके अलावा अदर कंडीशंस कॉजिंग सिमिलर सिम्टम्स सच एज शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस एब्यूज एंड जनरल मेडिकल कंडीशन शुड बी रूल्ड आउट। यानी इसके अलावा शीज़ोफ्रेनिया के अलावा जो सिमिलर सिम्टम्स होती हैं शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में,
मूड डिसऑर्डर में, सब्सटेंस एब्यूज में, एंड जनरल कोई और जनरल मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट का बिहेवियर ऐसा हो रहा है, तो उसको रूल आउट कर लें, क्योंकि वो फिर शिजोफ्रेनिया या साइकोसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो इसकी बेस पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया एग्जिस्ट, जिसको हम अभी टेबल में डिस्कस करने जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइप्स को हम टेबल में डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो पहली टाइप है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक में क्या होगा, मोटर सिम्टम्स आर नोटेबल। ठीक है, मोटर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होंगे। द पेशेंट में आइदर डेमोस्ट्रेट रिजिड इमोबिलिटी और एक्सेसिव पर्पजलेस मूवमेंट। ठीक है, रिजिड इमोबिलिटी यानी एक ही जगह बैठा रहेगा, मूव नहीं करेगा, इमोबिलिटी, या फिर एक्सेसिव पर्पजलेस मूवमेंट, इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर जा रहा है, और विदाउट एनी रीजन। द पेशेंट मे बी साइलेंट एंड विदड्रॉन और मे बिकम लाउड एंड शाउट। दोनों एक्सट्रीम हो सकती हैं, या तो बिल्कुल कोने में पड़ा हुआ है, साइलेंट है, खामोश है, या लाउड एंड शाउट भी हो सकता है। बिजारे वॉलेंट्री मूवमेंट सच एज पॉस्चरिंग में ऑल्सो अकर, यानी मुसलसल जो है वॉलेंट्री मूवमेंट जो होगी, यानी पॉस्चर चेंज कर रहा होगा पेशेंट, ऐसा भी हो सकता है। द पेशेंट में फ्लक्चुएट बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी वक्त बिल्कुल डिप्रेस है और साइलेंट है, और किसी वक्त बहुत ही लाउड कर रहा है, शाउट कर रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर है, तो ये जो है वो कैटाटोनिक बिहेवियर में आएगा। इसके बाद है सेकंड टाइप जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप में क्या होगा, द पेशेंट टेंड टू हैव डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर विद ए फ्लैट अफेक्ट। अच्छा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज स्पीच कि एक टॉपिक पे बात कर रहा है, अचानक बीच में कोई दूसरा टॉपिक आ गया, अभी वो टॉपिक भी ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा टॉपिक आ गया, फिर पहले टॉपिक बीच में आ गया, यानी कोई बात में रब्त या ताल्लुक नहीं होगा। ऐसे ही बिहेवियर होगा कि अभी एक काम करने खड़ा हुआ था, वो अभी पूरा किया ही नहीं है, दूसरे काम में लग गया, ना वो किया ना वो किया, यानी टोटली डिसऑर्गेनाइज। फ्लैट अफेक्ट, ना यानी खुशी का इजहार, ना गम का इजहार। हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं उसको, डेल्यूजन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, नॉट वेल फॉर्म एंड फ्रेगमेंटेड, टूटी फूटी सी होंगी, यानी वही डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। द पेशेंट में ऑल्सो हैव बिजारे मैनरिज्म एंड ग्रिमेसिंग, यानी ये कि जो है वो बिजारे मैनरिज्म एंड ग्रिमेसिंग, इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो होगा वो कि जो जो बिहेवियर होगा वो इस तरह से होगा कि वो अपनी, यानी ये कि वो ये कि या तो ये कि मूव नहीं करेगा और या फिर पर्पसलेस मूवमेंट होगी। ठीक है, और वो ये कि इनवॉलेंट्री, वो जो पॉस्चर जो होगा वो बॉडी का बार बार चेंज कर रहा होगा, यानी टोटली इन ए डिसऑर्गेनाइज वे में। ठीक है, और उस पर सख्ती से कायम होगा। पैरानॉइड क्या होता है, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होगा, पेशेंट्स आर यूजुअली प्री ऑक्यूपाइड विद पैरानॉइड डिल्यूजन्स और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। पहले से ही उसने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं और फिक्स की हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वो कह रहा है जो उससे बहुत सिंसियर है कि ये मेरा दुश्मन है, हालांकि वो उससे बहुत सिंसियर है, तो ये प्री ऑक्यूपाइड विद पैरानॉइड डिल्यूजन या ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, यानी फॉल्स बिलीफ है। या उसने कहा कि नहीं जी, मैंने तो सुना है कि वो मुझे मारना चाहता है, तो ये हेलुसिनेशन है, हालांकि उसने तो ऐसा नहीं कहा, ये हेलुसिनेशन, यानी उसको वो ऑडिटरी यानी साउंड ऐसी सुनाई दी कि जैसे वो ऐसा बोल रहा हो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कॉग्निटिव फंक्शन इज़ यूजुअली प्रिजर्व्ड, कॉग्निटिव फंक्शन प्रिजर्व रहते हैं, यानी जो सुनने की, हिस और देखने की, स्मेल की। इफ़ थॉट डिसऑर्डर इज़ प्रेजेंट, इट डज़ नॉट प्रिवेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। थॉट डिसऑर्डर भी होगा, लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिल्यूजन या हेलुसिनेशन नहीं है, हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रेजिडुअल टाइप। रेजिडुअल टाइप क्या है, इसमें द पेशेंट मे नॉट हैव एक्यूट साइकोसिस बट सम सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया रिमेन, यानी उतनी सीवियर कंडीशन नहीं है जितनी के पैरानॉइड में है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हद तक सिम्टम्स मौजूद हैं। ज़्यादातर क्या होंगी, लार्जली नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स यानी डीमोटिवेटेड, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, फ्लैट अफेक्ट, सोशल विड्रावल, फ्लैट अफेक्ट यानी ना कोई खुशी नहीं, सोशल विड्रावल, लोगों से दूर दूर भाग रहे हैं, लूज़ एसोसिएशन यानी किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं, माँ बाप, बहन भाई, किसी के साथ बिल्कुल अकेले अकेले,
Prominent delusions or hallucinations are not present in residual type of schizophrenia. अच्छा, इसके बाद है हमारे पास undifferentiated, यानी इसमें वो type आएगी जो ना catatonic में आएगी, ना disorganized में आएगी, ना paranoid में आएगी, ना residual में आएगी. The patient meets the criteria for a diagnosis of schizophrenia, but does not meet the criteria for a specific type, यानी जो ऊपर जो चार type है उसमें से कहीं पर भी वो fit नहीं बैठता, तो उसको हम undifferentiated में classify करेंगे या typify करेंगे. पेशेंट में मीट द क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ schizophrenia, यानी वो कैटाटोनिक भी लग रहा है, पैरानॉइड भी लग रहा है, या डिसऑर्गेनाइज भी लग रहा है, रेजिडुअल भी लग रहा है, यानी मिक्स टाइप है, तो उसको हम जो है वो undifferentiated में रखेंगे, क्योंकि नो वन टाइप अपीयर टू बी प्रोमिनेंट, कोई भी एक टाइप जो है उसमें प्रोमिनेंट नहीं है. तो इस तरह से जो है वो इसको क्लासिफाई या टिपिफाई करेंगे. अच्छा जनाब, अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में. तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शिजोफ्रेनिया, उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स होती हैं. ये पॉजिटिव, नेगेटिव और डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स क्या होती हैं, इसको अभी हम थोड़ी देर में टेबल टू में देखेंगे. लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप्स इसमें क्या हैं, हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन्स. तो हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन्स क्या हैं, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. हेलुसिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि हेलुसिनेशन इज ए परसेप्शन डिस्टर्बेंसेज इन सेंसरी एक्सपीरियंसेज ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, एक परसेप्शन है और डिस्टर्बेंस है सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द एनवायरनमेंट. ये हेलुसिनेशंस क्या होंगी, कैन बी ऑडिटरी, यानी सुनाई ऐसी दे रहा है, कोई ऐसी चीज़ सुनाई दे रही है, कोई ऐसी आवाज़ कि जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. विजुअल हेलुसिनेशंस, कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ऑल्फैक्ट्री, यानी ऐसी चीज़ जो है वो उसकी स्मेल आ रही है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. और टैक्टाइल, यानी मूवमेंट कि कोई है इस तरह की, स्किन पे कुछ चल रहा है जैसे, तो ये जो होगी वो टैक्टाइल हेलुसिनेशन कहलाएगी. लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, तो ये जो होगी वो सबसे कॉमन टाइप होगी. अगर हम जाएं डेल्यूजन पे, तो डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन की डेफिनेशन पर अगर हम जाएं, तो डेल्यूजन हमें ये बता रहा है, ये है दरअसल इनकरेक्ट और फॉल्स बिलीफ, यानी वही जैसे कि ये फलाना शख्स मेरा दुश्मन है. डेल्यूजन्स कैन बी रिलीजियस भी हो सकता है, पैरानॉइड और परसिक्यूटरी, पैरानॉइड भी हो सकता है या परसिक्यूटरी, परसेप्शन ऐसा बिल्ड कर लिया. ग्रैंडियोस, कि मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई मुझसे आला और अरफा नहीं है. सोमैटिक भी हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है, और सेक्सुअल डिल्यूजन भी हो सकता है. लेकिन जो कॉमन टाइप हैं वो परसिक्यूटरी और पैरानॉइड डिल्यूजन्स हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं. परसिक्यूटरी जैसे मैंने बताया कि वो ये कि बस उसने ये जिसको डिल्यूजन हो गया है और वो उसको फॉल्स बिलीफ है, ये इनकरेक्ट और फॉल्स बिलीफ है कि फलाना शख्स मेरा दुश्मन है, तो और वो उसमें बिल्कुल सख्ती से कायम है कि नहीं ऐसा ही है कि फलाना शख्स मेरा दुश्मन है और वो मुझे मारना चाहता है, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं है. अच्छा, अब हम आते हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स क्या होती है. पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगी, लाइक डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, कॉम्बेटिवनेस, यानी कॉम्बेटिवनेस हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए तैयार, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी. नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होगी, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, यानी वो ये है कि ना खुशी का इजहार, ना गम का. एलोजिया, ये भी वीकनेस में ही आता है, मसल्स वीकनेस. एनीडोनिया, यानी नर्वस वीकनेस, दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब और वीक और डीमोटिवेटेड. ए मोटिवेशन, ए पैथी, यानी किसी से कोई ताल्लुक नहीं. एंड ए सोशल बिहेवियर, बिल्कुल आइसोलेटेड अपने आप को रखना. डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में या सिम्टम्स में क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगी, थॉट डिसऑर्डर होगा, यानी एक चीज़ सोची फिर वो मुकम्मल नहीं की, फिर वो थॉट छोड़ दी, इसी वजह से डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी होगा और ऐसे लोगों की अटेंशन भी पुअर होगी. तो ये जो जो होंगी सिम्टम्स जो होंगी, ये जो है तीनों तरह की पॉजिटिव, नेगेटिव और डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स हो सकती हैं. इसमें जो सबसे डेंजरस है वो है पॉजिटिव सिम्टम और उसके बाद है नेगेटिव सिम्टम, क्योंकि पॉजिटिव सिम्टम्स में ऐसा होता है कि वो कॉम्बेटिवनेस की वजह से वो किसी को मार भी सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है किसी दूसरे शख्स को, और नेगेटिव सिम्टम की वजह से वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी वो सुसाइड की तरफ भी जा सकता है. इसलिए हमें इन तमाम सिचुएशन को अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा वाइल वी आर डायग्नोसिंग द पेशेंट एंड ट्रीटिंग द पेशेंट. नाउ
द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब ये डायग्नोसिस की भी बात हो गई और क्लिनिकल फीचर्स की भी, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब ये आ जाता है जब हमने कोई पेशेंट डायग्नोस कर लिया, उसकी क्लिनिकल फीचर्स आइडेंटिफाई कर ली और वो क्लासिफाई हो गया कि वो कौन सी टाइप का शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है। तो अब इसके बाद आ जाता है नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट गोल एंड व्हाट आर आवर आवर ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देयर इज करंटली नो नोन क्योर फॉर शिज़ोफ्रेनिया। अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई क्योर नहीं है, आपने सिर्फ इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपके पास क्या है, साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी। साइकोथेरेपी यानी वो ये कि बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी उसकी काउंसलिंग पेशेंट की, और इसके अलावा फार्माकोथेरेपी यानी जिसमें ड्रग्स और मेडिसिन शामिल हैं। लिहाजा द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटमेंट आर एज फॉलोज। उसी वजह से इसके जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव जो हैं ट्रीटमेंट के, वो ये जो है आपके पास पाँच मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है, मिनिमाइज सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, मिनिमाइज सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, जो सिम्टम्स हैं जिस तरह की भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डिसऑर्गेनाइज, इसके अलावा अगर हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स हैं तो उनको कंट्रोल में लेकर आना। इसके अलावा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन, पेशेंट की क्वालिटी बेहतर हो ताकि वो अपनी सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ को बेहतर बना सके, ताकि वो सोशल गैदरिंग में भी पार्टिसिपेट कर सके और जहां वो जॉब करता है उसको भी सही तरीके से अंजाम दे सके। इसके अलावा प्रिवेंट रिलैप्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन, कि उसको शिज़ोफ्रेनिक अटैक ना हो, ताकि वो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए। इसके अलावा क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, बल्कि सम टाइम लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो ड्रग जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करना। तो उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ये भी आपका ट्रीटमेंट गोल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रिवेंट सुसाइड अटैम्प्ट और सेल्फ हार्म, खासतौर से जैसे मैंने बताया कि जिसका ताल्लुक आपके जो है वो नेगेटिव सिम्टम से होता है, तो उसको कंट्रोल करना कि वो अपने आप को भी किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए जो है वो इनको आपने, ये आपके मेन गोल होंगे ट्रीटमेंट के लिए। नाउ अब हम आते हैं साइकोथेरेपी, तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, एज ए फार्मासिस्ट हमारी रिकमेंडेशन होती है फार्माकोथेरेपी के लिए। तो अब फार्माकोथेरेपी में अगर हम आएँ तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस में अगर हम बात करें तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू जनरेशंस। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जिसको हम टिपिकल एंटी साइकोटिक्स भी कहते हैं, एंड सेकंड जनरेशन जिनको ए टिपिकल एंटी साइकोटिक्स कहते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है टिपिकल एंटी साइकोटिक्स, इनको टिपिकल एंटी साइकोटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन के जो मोस्ट ऑफ दी जो एग्जाम्पल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है, बेसिक रिंग आमतौर पे उनका सेम होता है, जिसमें जो सबसे कॉमन टाइप है वो है फिनोथायाजीन रिंग की। जो सेकंड जनरेशन है उनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटिपिकल हैं, यानी इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा, जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो ये सेकेंड जनरेशन है। और दूसरी वजह ये भी है कि फर्स्ट जनरेशन ओल्ड ड्रग्स हैं, सेकंड जनरेशन बाद में जो है वो एडवांसमेंट के साथ जैसे जैसे मेडिकेशन में और डिजीज में हुआ उसके साथ डेवलप की गई है। अच्छा, अब आते हैं चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीसाइकोटिक एजेंट। वो डिपेंड करेगा पेशेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, पहले उसने कौन सी ली है, एडवर्स इफेक्ट्स, एंड द पेशेंट्स कनकमिटेंट मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल मेडिकेशन इंटरेक्शन एंड द पेशेंट्स प्रेफरेंसेस, के पेशेंट का पास्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट जनरेशन से अच्छा है या सेकंड जनरेशन से अच्छा है, इस पे डिपेंड करेगा। एडवर्स एक्सपीरियंस उसको फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा आते हैं या सेकंड जनरेशन से, उस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा और उसको कोई कनकमिटेंट मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कनकमिटेंट मेडिकल कंडीशन है जिसमें फर्स्ट जनरेशन नहीं दी जा सकती हो और सेकंड जनरेशन दी जा सकती हो, तो फिर आपकी चॉइस सेकंड जनरेशन ही होगी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसी तरह से मेडिकल मेडिकेशन इंटरेक्शन, कोई और मेडिकेशन ले रहा है वो जिसके साथ फर्स्ट जनरेशन का इंटरेक्शन है, सेकेंड जनरेशन ड्रग्स का नहीं है, तो फिर आप सेकेंड जनरेशन को चूज़ करेंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है।
और फिर पेशेंट्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं, कि वो सेकंड जनरेशन लेना चाहता है, यानी जिससे वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिससे ज़्यादा वो सेटिस्फाइड हो। डेफिनेटली पेशेंट उस ड्रग से ज़्यादा सेटिस्फाई होता है जिससे उसको बेनिफिट ज़्यादा हो और एडवर्स इफेक्ट ना होने के बराबर हो। जो अमेरिकन करंट अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उसकी जो गाइडलाइन है वो रिकमेंड करती हैं यूजिंग एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक फर्स्ट ओइंग टू लेस रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स। ठीक है, जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसकी गाइडलाइन ये रिकमेंड करती है कि प्रेफर किया जाए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को पहले, क्योंकि उनके एडवर्स इफेक्ट पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स जो है उसका रिस्क कम होता है। एंड पेशेंट्स हु प्रेफर टू हैव ए हिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्स टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक में फर्स्ट यूज टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। लेकिन गाइडलाइन ये कहती है कि अगर कोई नया पेशेंट आ रहा है और उसमें आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि सेकेंड जनरेशन से यानी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बट इफ़ द पेशेंट इज हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स मीन्स फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और उसमें उसको बेनिफिट भी हुआ था लेकिन उसने बंद कर दी थी बीच में, तो फिर उसके लिए प्रेफर ड्रग वही टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स यानी फर्स्ट जनरेशन ही होंगे। अच्छा, रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन इज नॉट इमीडिएट, एक ये इशू है। एंड मैक्सिमल ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स में टेक 6 months और इवन सम टाइम लॉन्गर टू बी सीन, इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, आफ्टर ए ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इज सीन, जब ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आ जाता है तो पेशेंट को उस पर मेंटेन करना है ऑन करंट थेरेपी फॉर मिनिमम ऑफ 6 months, 6 महीने तक, यानी अगर रिस्पॉन्स आ गया तो 6 महीने तक तो कम से कम वो ड्रग चल नहीं रहे। अच्छा, जैसा कि हमने ये बात की कि ये डिजीज़ जो है ऐसी डिजीज़ है कि सम टाइम ये इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है, इसी वजह से मोस्ट पेशेंट विल रिक्वायर क्रॉनिक थेरेपी। अच्छा, 80% ऑफ फर्स्ट एपिसोड पेशेंट हु डू नॉट रिसीव एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट विल रिलैप्स विद इन 5 years। अच्छा, अब क्या है कि 80% ऑफ फर्स्ट एपिसोड पेशेंट हु डू नॉट रिसीव एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट विल रिलैप्स विद इन 5 years। अच्छा, क्रॉनिक थेरेपी जो नहीं करते फिर 80% पेशेंट्स में ये चांसेज होते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर उनको रिलैप्स हो सकता है या हो जाएगा। तो इसलिए जो है, अब वो विद इन 1 ईयर मे बी नेक्स्ट 6 month में रिलैप्स हो गया, किसी को 1 साल में रिलैप्स हो गया, किसी को 2 साल में हो गया, लेकिन 5 साल के अंदर ही अंदर ही 80% पेशेंट को रिलैप्स हो जाता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जनाब, तो अब हम ये रिकमेंडेशन के बाद आते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पे। टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पर अगर हम जाएं तो पहले हम इसके टेबल को देख लेते हैं, जो कि टेबल 39.3 है, जो हमें क्या बता रहा है। ये टेबल यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और इसमें आपके पास जो एजेंट है क्लोरप्रोमाजीन, और फिर क्या है ट्राईफ्लूपेराजीन, थायोराइडाजीन, परफेनाजीन, फ्लूफेनाजीन, थायोथिक्सिन, हेलोपेरिडॉल, मोलिंडॉन एंड लॉक्सापिन। ये CPG इक्वलेंट यानी क्लोरप्रोमाजीन इक्वलेंट डोज, यानी 100 mg क्लोरप्रोमाजीन इज इक्वल टू ट्राईफ्लूपेराजीन 5 mg एंड इट इज इक्वल टू 100 mg, 100 100 इक्वल, और क्लोरप्रोमाजीन 100 इज इक्वल टू 10 mg ऑफ प्रोफेनाजीन, 100 इज इक्वल टू 2 mg ऑफ फ्लूफेनाजीन, इक्वल टू 5 mg ऑफ थायोथिक्सिन, 2 mg ऑफ एलोपेरिडॉल, 10 mg ऑफ मोलिंडॉन एंड लॉक्सापिन 10। ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर पेशेंट 100 mg क्लोरप्रोमाजीन पर सेट है और यू वांट टू चेंज द ड्रग बिकॉज ऑफ सम इशू एंड यू वांट टू चेंज टू परफेनाजीन, तो फिर इसकी इक्वलेंट डोज अगर 100 पर वो सेट था तो इसकी 10 mg पर वो सेट रहेगा, जो कि इसकी इक्वलेंट डोज है। डोज रेंज क्या है इनकी? डोज रेंज क्लोरप्रोमाजीन की 300 to 1000, ट्राईफ्लोपेराजीन की 5 to 15, थायोराइडाजीन की 300 to 800, परफेनाजीन की 16 to 64 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये डोजेस की रिकमेंडेशन मौजूद है। सेडेशन 3+ का मतलब है बहुत ज़्यादा, 1+ का मतलब है माइल्ड, यानी और 2+ का मतलब है मॉडरेट, यानी इसमें एक्सट्रीम सेडेशन, माइल्ड सेडेशन, मॉडरेट सेडेशन, तो वो भी वेरी करती है। एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम वो भी इसी तरीके से यहाँ मौजूद है। तो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम जो सबसे कम है वो है
थायराइडिज़ेम के, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की बात की जाए तो ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी इन तमाम के हैं, लेकिन वो ये कि ज़्यादातर में माइल्ड हैं, लेकिन क्लोरप्रोमेज़ेमिन में मॉडरेट है, लेकिन थायराइडिज़ेम में एक्सट्रीम है, सबसे ज़्यादा जो है वो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स यानी वही है कि जितने भी बॉडी में एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम है, लाइक फॉर एग्जांपल क्या होगा, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से ड्राई माउथ होगा, ब्लर विजन होगा, और इसके अलावा डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, और इसके अलावा इंक्रीज कार्डिक फंक्शनिंग, और कॉन्स्टिपेशन, और यूरिनरी रिटेंशन, तो ये सारे इशू होंगे। तो वो पेशेंट जिनको पहले से ये इशू हैं तो उनके लिए ये और प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए भी ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स मुनासिब नहीं होता। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी यहाँ पे मेंशन है कि किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में मॉडरेट है, तो ये जो है वो इनके मेन एडवर्स इफेक्ट हैं जिनका यहाँ पे तस्करा किया जा रहा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई और इनके मेन इफेक्ट्स हो गए, किसी में ज़्यादा है, मोर ओर लेस सब में कुछ ना कुछ ये इफेक्ट्स मौजूद हैं। तो अब हम वापस आते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें क्या बता रहा है, जो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट हैं उनका जो ये इफेक्ट है इज प्राइमरीली मीडिएटेड थ्रू द ब्लॉकेज ऑफ डोपामीन टाइप 2 और D2 रिसेप्टर्स। तो ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं डोपामीन के, तो उससे जो है ये एंटी साइकोटिक इफेक्ट यानी साइकोसिस को कंट्रोल करने का इफेक्ट आता है। एजेंट्स विद इन दिस मेडिकेशन क्लास वेरी इन देयर एक्टिविटी एट हिस्टामिन, मस्कारेनिक एंड अल्फा रिसेप्टर, ऑल्दो दीज रिसेप्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजायर्ड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो इस क्लास की जो ड्रग हैं उन मेडिकेशन का हिस्टामिन रिसेप्टर पर भी इफेक्ट है, मस्कारेनिक यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी और अल्फा रिसेप्टर्स पे भी। और हमें अभी देख भी चुके हैं सेडेशन जो हो रही है वो इस क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन हिस्टामिन रिसेप्टर। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इसके क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन मस्कारेनिक रिसेप्टर। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स। इन तीनों रिसेप्टर्स का एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी से कोई भी ताल्लुक नहीं, लेकिन ये इन रिसेप्टर्स पर इन ड्रग की बाइंडिंग एफिनिटी किसी एजेंट की ज़्यादा है, किसी की कम है, जिसकी वजह से वेरिंग डिग्री ऑफ इफेक्ट आ रहे होते हैं सेडेशन की फॉर्म में, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की फॉर्म में, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम तो खैर इसी से D2 रिसेप्टर से ताल्लुक रखते हैं, और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का जो इफेक्ट होता है। पोटेंसी की अब अगर हम बात करें तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स आर क्लासिफाइड बाय देयर पोटेंसी फॉर द डोपामिन रिसेप्टर into high, moderate and low potency antipsychotics. High potency agents have a higher affinity for dopamine receptor and are associated with higher risk for the development of extra pyramidal symptoms. ठीक है, तो जिसकी potency high है वो D2 receptor से ज़्यादा bind होगा और extra pyramidal symptoms भी उसमें ज़्यादा आएंगे। Similarly, low potency agents have less affinity for dopamine receptor, जिसकी वजह से they have लेस रिस्क फॉर कॉजिंग EPS यानी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। इसके अलावा जैसे हमने भी पहले बात की कि दे आर एसोसिएटेड विद मोर एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम देयर एक्टिविटी एट हिस्टामिन रिसेप्टर, वही सेडेशन, मस्कारेनिक रिसेप्टर, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी एंड अल्फा रिसेप्टर, सो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। एफिकेसी की अगर हम बात करें, व्हेन डोज इन इक्विवेलेंट डोजेस द वेरियस टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैव सिमिलर एफिकेसी, बट इक्विवेलेंट डोजेज आर डिस्क्राइब यूजिंग क्लोरप्रोमाजीन इक्विवेलेंट, वही 100 मिलीग्राम जैसे मैंने बताया था कि उसके इक्वल जो है वो 10 मिलीग्राम थायराइडाज़ीन जो है वो इक्विवेलेंट होता है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर थॉट टू बी एज इफेक्टिव एज ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स फॉर पॉजिटिव सिम्टम्स बट आर लेस इफेक्टिव फॉर नेगेटिव सिम्टम्स। ये जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए जो है वो इफेक्टिव हैं बट लेस इफेक्टिव फॉर नेगेटिव सिम्टम्स, जबकि एटिपिकल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर उसका इफेक्ट है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वही जो इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं टिपिकल एडवर्स इफेक्ट जो कि कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से हैं और सेडेशन हिस्टामिन की वजह से हैं और अल्फा रिसेप्टर की वजह से हैं, बट हम उसको टेबल 39.4 में भी देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट टेबल हमारे पास
मौजूद है। यहाँ पर एक कंपैरिजन इन्होंने दिया हुआ है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, और यहाँ पर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स यानी फर्स्ट जनरेशन, और यहाँ पर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं यानी सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन से सेडेशन, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, वही पर ब्लर विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, लोअर्स द सीजर थ्रेशोल्ड, सीजर जो है वो कम सीएनएस स्टिमुलेशन पे भी हो सकता है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करते हैं जिसको हम पोस्टुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ाते हैं, मॉडरेट वेट गेन, यूटी प्रोलोंगेशन, फोटोसेंसिटिविटी, बॉडी टेम्परेचर डिसरेगुलेशन जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इसमें टेम्परेचर बॉडी का वही है कि डिसरेगुलेशन भी होती है, और इसके अलावा और भी सिम्टम्स डेवलप होती हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, ये सब शामिल है। एटिपिकल की अगर हम देखें तो सेडेशन है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट सिर्फ इसमें क्लोजापिन और ऑलेंजापिन से है, बाकी एंड किसी से नहीं है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इससे भी है, मॉडरेट टू सीवियर वेट गेन, डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस हैं डेवलप होने के, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, हाइपर हो सकता है, प्रोलैक्टिन लेवल इसमें भी हाइपर हो सकता है बिकॉज मेनली ऑफ रेस्पेरिडॉन। इसके अलावा ये भी लोअर करते हैं सीजर थ्रेशोल्ड, क्यूटी प्रोलोंगेशन से भी इनका ताल्लुक है, यानी वो पेशेंट जो कि कार्डिक एरिथमिया के शिकार हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है ये। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इससे भी ये भी डेवलप करते हैं, यानी वो ये कि टेम्परेचर डिसरेगुलेशन ऑफ द बॉडी। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स इससे भी हैं बट उतने नहीं हैं जितना के टिपिकल एंटीसाइकोटिक से होते हैं, एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो ये जो था यहाँ पर इन ड्रग के हवाले से ये जनरल कंपैरिजन है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के। अच्छा, अगर रिसेप्टर लेवल पे हम बात करें एडवर्स इफेक्ट बाय रिसेप्टर एफिनिटीज, तो हम रिसेप्टर्स एंटागोनाइज एंड एडवर्स इफेक्ट, जैसे हमने हिस्टामिन पे बात की थी, हमने कहा था कि ये सेडेशन करते हैं, वेट गेन करते हैं, डोपामीन रिसेप्टर से एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स एंड प्रोलैक्टिन लेवल जो बढ़ाते हैं या हाइपर करते हैं, मस्कारिनिक रिसेप्टर से एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और टैकीकार्डिया होगा, अल्फा रिसेप्टर की वजह से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, और सीरोटोनिन रिसेप्टर से भी बाइंड होते हैं कुछ हद तक, इसमें से कुछ एजेंट नॉट ऑल जिसकी वजह से वेट गेन होता है। तो ये जो है वो मेन इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें इन ड्रग्स को जो है वो देखना पड़ता है कि इनकी क्या एक्टिविटी है और कहाँ पे है। द एक्टिविटी ऑफ वेरियस टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एट द डोपामिन, अल्फा, मस्कारिनिक एंड हिस्टामिन रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज मेडिकेशन, जैसा कि टेबल 39.5 में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें मौजूद है। तो इस आज के इस टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये हमारा पैरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे और इस डिजीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।